तब तो सही है। एसी वाले तो कितना आइटम चल रहे हैं फिर उसके बाद तो 5:30 बजे आप शाम को खाली हो जाएंगे। अगर आपको आना है तो 2 घंटे बैठा के आप लोगों को कार्बन कंपाउंड कराएंगे, और जो कल की क्लास होगी उसमें मैथ्स का सरफेस एरिया मॉड्यूल करा देंगे। ऐसा करा देंगे तो एक एक तो हो ही जाएगा चक्कर, थोड़ा थोड़ा ऐसा बता देंगे कि आपका काम चल जाए। और एसएसटी पूरा करके आए हो? लास्ट टाइम साइंस एक्स्ट्रा क्वेश्चन अवंती हॉरिजॉन्टल और लिखा जो मेन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल कोई तो था भाई, पर मिनरल्स वाले में तो दिखते हैं भाई, मिनरल्स वाले तो मिनरल्स में कैसे निकल गए और ठीक रहा वो यार। आर्थिक रस से निकलते हैं वो खोली कभी जिंदगी में? सुनना तो ये बोला आर्थिक रस से वो सेविक्स और फैक्चर्स उसी से निकलते हैं। बुक में ही लिखा है, बुक में भी अर्थ क्रश लिखा हुआ है। नहीं नहीं अंदर से जमीन से निकलते हैं छोटे बच्चों को हमसे अपन 10वीं के बच्चे पढ़ गए उधर कौन से स्कूल में? नाउ इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करो, कोई डायग्राम होगा तो दिखा देंगे, अदरवाइज तो मैं करेंगे। तो why is series arrangement not used for connecting domestic electrical appliances? So series arrangement क्यों नहीं use किया जाता? In series arrangement, yes, separate switching options are not available. पोटेंशियल ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूटेड तो क्या होगा? सो एप्लायंस डज नॉट वर्क एट देयर फुल एफिशिएंसी। तो पोटेंशियल ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूटेड सो एप्लायंसेस आर नॉट वर्किंग at their full efficiency. If one appliance goes faulty, then other appliance circuit opens and other appliance also not work.
इफ वन एपियंस गोज फॉल्टी देन is not opted for parallel combinations. जबकि in parallel combinations eliminates all these demerits. Hence, parallel combination is up. समझ आई बात कि नहीं? Parallel combinations, ठीक है? That is overcomes all these out of 60 watt and 40 watt lamp which has higher electrical resistance when it is used, Divya, for 60 watt or 40 watt ke lamp mein ye mujhe batao ki kiska resistance zyada hoga. बोलो सुजान अंशुप्रिया, 40 वॉट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. अर्चिता, 0 वॉट का सबसे ज्यादा होता है, उसी बेसिस पे होता है. और सबसे कम रेजिस्टेंस एसी का, तो दैट इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए ये 40 वॉट है और ये 60 वॉट है, तो 40 वॉट और 60 वॉट, चूंकि सबको आप 220 वोल्ट के हाउस होल्ड जो वोल्टेज आ रहा है उस पर लगाएंगे, सप्लाई है इस पे, तो ऐसी स्थिति में हम ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R. तो इसलिए इससे क्या पता चलता है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, P इज लेस R इज मोर, है बात कि नहीं? सो P इज लेस R is more. So 40 watt जो भी है power appliance has more resistance. अगला देखो, draw a schematic diagram of electric circuits consisting of a battery of two cell each of 1.5 volt 5 ohm and 10 ohm and 15 ohm. तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम आप बना लें. इसकी सबको किसमें कनेक्ट करना है? All connected in series. Let us make a schematic diagram. क्या क्या चीजें दी हैं? एक है 5 ohm का है, that is 10 ohm, 15 ohm और 5 volt के कितने सेल हैं? टू सेल है, ये ध्यान रखना, जितने सेल होने का टू सेल्स, तो टू सेल लगाओ, टू सेल लगा देना, एक स्विच लगा देना और एक अमीटर लगा दीजिएगा. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सब पे वोल्ट मीटर लगाओ. ओके, दैट इज वी वन, वी टू, वी थ्री, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, एमीटर, यहां से ऐसे प्लस माइनस आई, इतना करना है. बस जितने वोल्ट मीटर है उन पे भी प्लस माइनस है. फोर्थ क्वेश्चन, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हैं, और ओपन और क्लोज्ड सर्किट में भेद स्थापित करिए. सो इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास. And pass is called
इलेक्ट्रिक सर्किट इट कंसिस्ट्स ऑफ बैटरी असल ठीक है रजिस्टर की या स्विच ये सारी चीजें ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट में आपको क्या करना है डिस्टिंग्विश सो दिस इज ऐसे कर देना दिस इज क्लोज्ड सर्किट दैट इज करंट कैन पास ओपन सर्किट करंट कैन नॉट पास पहले ऐसा होता था इस तरीके से होता था और उसमें कॉपर का प्लग लगाते थे तो कनेक्ट हो जाता था उसी वजह से साइन आ गया अब वो जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स हट गया है चलन से बाहर हो गया है नहीं तो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स का ही सिद्धांत अगला देखो नेक्स्ट इज कैलकुलेट द रेजिस्टेंस Calculate the resistance of electric bulb which allows a 10 ampere current when connected to 220 volt power supply. 10 ampere current है, 220 volt है, तो resistance निकालो. Resistance निकालो. दो चीजें दी हैं, 10 ampere current और 220 volt है. Resistance निकालो. 20? अच्छा, सही बात है. It is as per Ohm's law so V is equals to IR so R is equals to V by I it is 22 ohm अगर हम R is equal to V by I लिखें तो भी ओम्स लॉ माना जाएगा R is equal to V by I it is also ओम्स लॉ that is 220 volt and 10 ampere 22 ohm is the resistance यही पे कंक्लूड कर दो is the resistance तो कंक्लूडिंग के लिए भी थोड़ा लिखना पड़ेगा काम बन जाएगा now दिया है कि टू स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन रेजिस्टर्स आर वन एंड आर टू दैट इज ऐसा दिया गया है तो टू स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है इसमें दिया गया है वी और आई का तो किसी भी पॉइंट पर सीरीज अब ये देखो टू गिवन रजिस्टर्स आर वन एंड आर टू एंड प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ जैसे जैसे आपने उन्हीं दोनों दो ही रजिस्टर हैं तो दोनों रजिस्टर में ये देखिए वी है और आई है द रजिस्टेंस सीरीज रजिस्टेंस होगा तो वो आर वन प्लस R2 है और पैरेलल रेजिस्टेंस होगा तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये फार्मूला होता है तो वास्तव में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये जो ग्राफ बना ये किसके लिए RSRP अब इसमें इन्होंने दो ग्राफ दिखा दिए एक में V नीचे रखा एक ही बात है दोनों में इनको पहले समझो ये ग्राफ क्या कह रहा है V और I This is series, this is parallel. Okay, अब जरा देखिए two given resistors R1 and R2 and plot the following. Which of the graphs are correctly labeled in terms of the word and series? Justify your answer. इन दोनों में एक ग्राफ सही है सही है अब जरा देखिए कि मान लीजिए VI ग्राफ हमने बनाया तो पोटेंशियल किसी में भी अगर
इसे लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ वन ओम है और वन ओम है, तो ये टू ओम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पैरेलल में लगाऊं तो पैरेलल में टू ओम नहीं रहता है, दो है तो हाफ हो जाता है, वन ओम है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हाफ ओम हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी। इसके किसी भी पॉइंट पर ये कितना है और ये कितना है, इसको वी बोलोगे क्योंकि ये हाइट भी है, ये कितना है आई। तो ये अगर थीटा हो गया तो बोलो आर क्या होता है, क्या वी बाई आई होता है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई ऊपर लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए कि किसी एक ही पॉइंट पे ले लो, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, यहीं पे ले लो, दोनों आ जाए, ये आ गए। इसमें ये चीज है, तो यहां पर वी दिस इज, इसमें भी आर की वैल्यू क्या हो गई, वी बाई आई। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा ठीक है कि यहाँ पर, ये पैरेलल है, तो क्या इज इट ओके विद दिस ग्राफ कि इसमें आर की वैल्यू देखो कम है उसी करंट पर, और इसमें क्या होगा बताइए, आर की वैल्यू ज्यादा है। तो यानी फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट विच विल हैव द मोर वोल्टेज, समझ में आई बात कि नहीं, या किन्हीं भी पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर बहुत हाई पोटेंशियल हमने लगाया, इसके से बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगाया तो करंट थोड़ी मिली, अब इसमें थोड़ा पोटेंशियल लगाया तो भी उतनी मिल गई। ये बात तो तुमको मालूम है ना, 220 वोल्ट पर भी अगर थोड़ी सी करंट तुम्हारी झालर में जाती है, जैसे झालर लगा देते हो तो बहुत सारी एक साथ होता है, रेजिस्टेंस ही इतना ज्यादा होगा तो करंट कहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस 0 वाट के बल में बहुत ज्यादा होता है, तुम रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जा रहे हो R1+R2+R3, तो करंट जाएगी उस पाथ से, तो इस पाथ में तुमने बहुत वोल्टेज लगा दिया तो करंट मिली थोड़ी। तो सीरीज में आप देखो ये वी बाई आई, क्या इसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा होनी भी चाहिए क्योंकि सीरीज के केस में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, और इस केस में कम है तो कम होनी भी चाहिए, तो ये तो ठीक लगता है। बात समझ आ गई कि नहीं, सो दिस इज द करेक्ट वी आई। अगर हम यहाँ पर देखें किसी भी एक केस के लिए, तो किस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वी है और ये आई है, ये क्या है आई है और ये कितना है वी। अब इसमें जरा देखो, तो इसमें अगर हम एक ही वोल्टेज अप्लाई करें दोनों में तो किसमें ज्यादा करंट पास होगी, एक ऊपर किसमें दिया है पैरेलल और ये क्या दिया है सीरीज। सो लेट अस सी फॉर द सेम अप्लाइड वोल्टेज किसमें ज्यादा करंट पास होगी। सिंपल सी बात है, मैं 2 वोल्ट यहां भी लिखता हूं, 2 वोल्ट यहां भी लिखता हूं, तुम मुझे बताओ अर्चिता ये जो 2 वोल्ट है सिर्फ इसमें करंट की वैल्यू बता दो, ऐसे ये ठीक है, आप भी बोलो अभिषेक, चलो 1 एंपियर, इनको इन्होंने सही कह दिया, क्योंकि जो आर होता है वो वी बाई क्या होता है आई क्या होता है, वहां से देखो I equals to V by R, तो 2 ohm और इनका equivalent कितना तुमने देखा? That is 2 volt upon 2 ohm, सही है? तो this is 1 ampere. एक चीज अर्चिता आपसे और पूछेंगे, जब इतना आप बता ही रही हैं, इस केस में करंट क्या है? 4. That is equals to 4 ampere. क्योंकि R क्या होगा बोलो इसमें RP, ये IP क्या होगा बताइए? I parallel में यहीं से फार्मूला निकालो V by R, तो V कितना है V 2 है और R कितना है R भी कितना है R भी निकालो इस फार्मूला 1 × 1 / 1 यही तो रखो V, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं, तो this is 1/2 तो कितना हुआ बोलो 4 ampere, सही है। मेरा कहने का मतलब है उसी अप्लाइड वोल्टेज के लिए बोलो करंट किसमें ज्यादा मिली, तो ये पैरेलल है और इसमें कम मिली। अमन बताओ ये ग्राफ सही है कि ये, हाँ दिस इज गुड, क्यों, क्योंकि यहां पर आपने देख लिया कि करंट कितनी मिली, वहां देखो 1 मिली और अब वोल्टेज अप्लाई कितना था 2, तो जब 2 अप्लाई किया तो 1 मिली और यहां 2 अप्लाई किया तो कितनी मिली 4, देखो पैरेलल में 4 मिली, तो ये सही है क्योंकि आई की वैल्यू ज्यादा नहीं लग रही, ये 4 है और यहाँ कितनी लग रही है, that is 1, 1,
2, 3, 4. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, अब जरा देखिए, कहने का मतलब है कि कोई ग्राफ अगर ऐसे चल रहा है ये, और आप सिर्फ उसके जो फिजिकल क्वांटिटी की एक्सिस बदल देते हैं, मान लीजिए इसको ए लिखें इसको बी, तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप एक्सिस बदल लें तो वो ग्राफ अब इसके पैरेलल चलने लगेगा. वास्तव में इस ग्राफ को आपने लुढ़का दिया या कुछ कर दिया. नाउ दिस इज बी और दिस इज ए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता. इसी से तो यहाँ बात पता चल रही, पहले ये इसके पास पास चल रहा था, अब ये इसके पास पास चल रहा, तो ये दोनों ग्राफ एक ही हैं, इनसे ये तो पता चल रहा है. ठीक है, तो अदरवाइज भी आप वैल्यू रख करके देख सकते हैं. सो लेट अस सी जस्टिफाई और आंसर. आपको इसमें क्या कहना पड़ेगा कि पहले ग्राफ का देखो, ग्राफ वन. सो ग्राफ वन में आप क्या देख रहे हैं कि इससे ये पता चल रहा है कि करंट सेम, टू गेट द सेम करंट, आई कभी क्या लिखोगे, टू गेट द सेम करंट हायर पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी अप्लाइड फॉर सीरीज कंबिनेशन. बहुत लगाओगे तब थोड़ी करंट होगी, क्योंकि वो झालर टाइप. सो टू गेट द सेम करंट, जैसे मैं यहाँ कह दूं कि वन तुम्हें चाहिए तो फोर लगाना पड़ रहा है, वन पे फोर, और इसमें वन पर वन, इसी तरीके से. और इसमें थोड़े वोल्टेज में भी आप ज्यादा पा सकते हो, क्योंकि वोल्टेज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है. तो पहले केस के लिए क्या बोलोगे, टू गेट सेम करेंट मोर पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू बी अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू बी अप्लाइड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. Then, the इतनी बात समझ आ गई, लिख रहे नोट कर रहे हो, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू बी अप्लाइड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ ग्राफ टू, अब ग्राफ टू देखो, ग्राफ टू में क्या है कि एट द सेम पोटेंशियल ड्रॉप वी गेट मोर करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हो रहा है कि नहीं, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वी गेट more current in parallel combination. So both graphs are correct. अगर मैं यहां कह दूं कि ये अगर थीटा है, ये ए है, ये बी है, तो बोलो tan थीटा यहाँ क्या हुआ, tan थीटा थोड़ी देर के लिए इसे v ले लो, इसको i ले लो, तो ये i है, और ये बोलो v हुआ, तो tan थीटा v by i, v by i से तो tan थीटा निकलेगा, और क्या यही r है, और अब की यहाँ पे क्या ले लो v, और इसे क्या ले लो बोलो i, तो अब इस जगह पे जरा देखो कि अगर ये यहाँ पे tan थीटा था पहले, तो वही tan थीटा उस उधर पर बनने लगा, तो ये चीज v है और ये आई, तो क्या फिर से वही चीज नहीं होगी, तो इस तरीके से tan थीटा नहीं बनता. ये हमेशा जो इसके साथ एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट ही तो रेजिस्टेंस होता है, दैट इज द tan थीटा ऑफ द ग्राफ, दैट इज व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अदरवाइज इट इज वी आई ग्राफ भी बोल सकते हो या आई वी ग्राफ, तो आई वी ग्राफ ही tan थीटा, वो भी वही चीज बनेगी वी वाई आई, तो वो भी रेजिस्टेंस ही है. अब देखो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज द रेजिस्टेंस. अगला सवाल देखो,
आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, लिख देना दोनों ग्राफ सही है एंड रीजन इज दिस, तब भी तुम्हारा काम चल रहा है। इतना लिख सको जो पढ़ सकें, जो प्रिसाइज बच्चे वो ये लिखें, और जो ना लिखें तो इतना तो ठीक है। कुएं में डूबती हुई वो बाल्टी की आखिरी छोर भी पकड़ लोगे तो भी थोड़े नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल देखो, टू लैंप्स वन रेटेड 60 वाट एट 220 वोल्ट, एक लैंप इतना है 60 वाट एट 220 वोल्ट, और दूसरा कितना है बोलो 40 वाट एट 220 वोल्ट, और हमें क्या चाहिए? दीज आर कनेक्टेड, ये दोनों कनेक्ट कर दिए गए पैरेलल में, तो ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, इनका सर्किट डायग्राम बनाओ कि जब ये दोनों कनेक्शन पैरेलल में किए गए। ओके, दीज आर 60 वॉट और दूसरा 40 वॉट, इसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओके, एंड दिस इज द सर्किट। अब कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सप्लाई। चलो 40 वॉट और 60 वॉट बोर्ड को ज्यादा पसंद है, दो तीन सवाल अभी तक दे चुका 40 और 60 वॉट। चलो अब हमें इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई निकालनी है, इसको कहते हैं सर्किट करंट, क्या कहेंगे? और इस पे जाए तो कहना ब्रांच करंट, तो हमें सर्किट करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दैट इज फाइंड आउट सेकंड पोर्शन, पहला तो कर लिया किसका कनेक्शन दिखाओ, अब दूसरा करंट निकाल के बताओ, निकालो। तो 220 वोल्ट की सप्लाई है, दोनों ही 220 की है, ये सभी पेपर्स मैं चारों आपके उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टू लैंप्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेटेड फॉर वन आवर, ये भी निकालो। एक घंटे के लिए दोनों चले तो टोटल कितनी एनर्जी लगी? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल पावर इज एडेड अप, इससे भी तुम कर सकते हो। करो करो, उसी का ही तो बताना है, वही कर दो ना, ऐसे कर सकते दोनों पावर जोड़ के भी तुम करंट निकाल सकते। नहीं सर, जिसका उसने बताया ना, तो है तुम्हारे पास कोई दूसरा आंसर? नहीं, आई चलो वो तार आया। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कि पहले तरीके से हर पैरेलल में हर एक एप्लीएंस अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करेगा, तो इसलिए उनकी पावर सीधी जुड़ जाएगी, सो देयर पावर्स आर एडेड अप इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा लिख सकते हो। दो तरीके बताएंगे, ये आसान तरीका है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पावर इज एडेड, तो पावर को ऐड करो, बोलो पी टोटल कितना हुआ? पी वन प्लस, तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 100 वॉट। अब ये एक ही एप्लायंस की तरह काम करेंगे, तो बताओ P इज इक्वल्स टू क्या होता है? VI, VI तो 100 इज इक्वल्स टू 220 इनटू I, तो 100 बाय 220 इट इज इक्वल्स टू I, 0 से 0 कट गया, 5 बाय 11, तो I कितना हो गया? 5 बाय 11 एम्पीयर।
जो दूसरे लोगों को कैसे करें, इसी में 40 वाट है और ये सब पे वोल्टेज लगेगा, तो लिखो 220 वोल्ट। इसे भी क्या लिखो 220 वोल्ट, तो पहले वाले में करंट क्या होगा, P is equals to VI, तो I is equals to P by V, सही है। I1 is equals to, ये बात तो तुम्हें समझ में आई ना, 220 वोल्ट दोनों में लग रहा, तो ये बताओ I1 is equals to P1 by V और I2 कितना हो जाएगा बताओ P2 by V, तो इसको लिखो 40 by 220 और इसको क्या लिखो 60 by 220, तो यहाँ से जाने वाली करंट क्या होगी, क्या वो I1 plus I2 होगी, क्योंकि कहीं पर भी ये ट्रिब्यूटरीज बन गई। तो आप मुझे बताइए कि P1 I1 is equals to P1 by V, that is 40 by 220 एम्पियर, 2 by 11 एम्पियर, और I2 that is 60 by 220 that is 3 by 11 एम्पियर। तो I is equals to I1 plus I2, तो 2 by 11 plus 3 by 11 that is 5 by 11, ये तो तुम्हारा सही है, इस पे इनाम मिलेगा। तुम दूसरा आंसर बताओ कि अगर एक घंटे तक चलें, if both run for 1 hour, when they are operated for 1 hour, तो total energy क्या भी consume करेंगे, इसका भी तो बताओ। 360 किलो जूल बताया, चेक करो। Now total energy consumed, it is equal to electrical energy consumed. Consume, it is the third part. तो तुम बताओ मैंने इसका क्या फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। दिव्या देर लगा, बोलो। पावर इनटू टाइम, इसके लिए इतना देर कर रहा हूँ, ध्यान नहीं। P is equals to W by T, तो W is equals to PT, वर्क डन ही तो टोटल एनर्जी कंज्यूम है, that is P into T, पावर कितनी लिखे 100 हो गए, और 100 नहीं लिखो, ये तो 100 वॉट है, अगर तुम्हें लिखना भी है तो 100 वॉट करके लिखो, तो जिससे बदल सको आप, अगर नहीं बदलना चाहते तो वही लिख के बाद बदल लो। और T कितना है 1 आवर, 100 वॉट को किलो वाट में बदलो, किलो वॉट और 1 आवर, तो कितना हो गया, that is 0.1 kilowatt, तो 0.1 unit, अब इससे कितना आता होगा, इन्होंने क्या किया होगा, 360 किलो जूल लिखा है, यानी 100 तो यहाँ हो गया होगा, और 3600 तीन जीरो हटा दिए, तो ये सही बना। अगला देखो, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, ये सब हो गया। अगला देखो, डिस्टिंग्विश द टर्म बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट्स इन डोमेस्टिक सर्किट्स, वाई अदर पर्स, पहले इसी को पढ़ो, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। Now, where is question number 7? तो क्वेश्चन दिया है, eighth question. Overloading. So, when many appliances are connected to single socket, then many appliances are connected to single socket. एक ही socket है, ये multi pin socket है, और उसमें बहुत सारी pins हमने डाल दी,
एंड इफ दे ड्रॉ करंट मोर देन द रेटेड करंट, अगर वे उसकी ये जो है 5 एम्पियर का सॉकेट है, लेकिन ये बड़े बड़े अगर मैं लगा दूं, इसमें आयरन प्रेस भी लगा दूं, इसमें 2-4 मशीनें लगा दूं, तो क्या वे 5 एम्पियर से ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे? इफ दे ड्रॉ करंट मोर देन द रेटेड करंट, देन दिस इज द केस ऑफ ओवरलोडिंग। इफ दीज एप्लायंस ठीक है ड्रॉ करेंट मोर देन द रेटेड करेंट, देन इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। दिस रिजल्ट्स हीटिंग ऑफ द सॉकेट एंड इवेंचुअली मेल्टिंग ऑफ इट, इससे क्या होगा, एंड लीड्स टू इलेक्ट्रिक फायर हजार्ड स्पार्क, इससे क्या होगा बोलो, स्पार्क हो जाएगा। सो दिस रिजल्ट्स इन, पहले तो ओवर हीटिंग होगी, तो जब ज्यादा करंट ली जाएगी तो क्या H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगेगा, तो बहुत करंट किसी से लो तो ओवर हीटिंग हो जाएगी। दिस रिजल्ट्स टू ओवर हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ सॉकेट। नाउ लाइव वायर्स, तो जो लाइव वायर है वो किसके कांटेक्ट में लगे, सब चीज पिघल ही गई तो दोनों तार एक दूसरे में मिल जाएंगे, कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर। ये बहुत अच्छा कह रहा हूं, न्यूट्रल वायर बाईपासिंग रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस ही हट गया तो ऐसा सर्किट शॉर्ट हो गया, छोटा सर्किट हो गया, एंड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। दिस विल कॉज फायर हजार्ड, इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ओवरलोडिंग में इतना लिख सकते हो, इतने में भी हो जाएगा, लेकिन और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो ये भी लिख सकते। शॉर्ट सर्किटिंग, तो पता चल गया कि क्या शॉर्ट सर्किटिंग, तो शॉर्ट सर्किटिंग के लिए क्या होता है, इफ लाइव वायर कम्स, इफ वायर्स आर फ्रेड एंड लाइव वायर्स एक्सीडेंटली कम इन कॉन्टेक्ट विद न्यूट्रल वायर, देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ बाईपासिंग द रजिस्टर, देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू इट ठीक है, लीडिंग टू स्पार्क, विच इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। Due to fraying of cable, उत्तर सेंटेंस पूरा करो। तो वायर कनेक्ट हो जाता है, तुम तो बता ही नहीं रहे, वो बार बार बता, तुम्हारा साल नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहा, बोलो। तुम ज्यादा दिमाग तो नहीं लगा लो, ना हाँ बोलो दिव्या। लाइव वायर कम्स इन, ऐसे तुम्हारी कोचिंग के बच्चे तो वही सीख रहा था, कॉन्टेक्ट विद न्यूट्रल वायर बाईपासिंग रजिस्टर, रजिस्टर ही खत्म हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, दैट इज वी बाई जीरो, तो वो इनफाइनाइट करंट हो जाएगी, बहुत थोड़ी वैल्यू होगी ना, तो देन ए लार्ज अमाउंट, आर बिल्कुल जीरो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है, ये बताने के लिए आपको कहा, कितना भी लिख देना सही है ना, तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ
करंट फ्लोज थ्रू सर्किट, सर्किट मेरा कहने का मतलब है जैसे एक प्लग है और इसमें ऐसे वायर ऐसे होते हैं ना, क्वाइल वायर, तो ब्रिसल्स होते हैं चोटी टाइप, और इसमें ये बल्ब है और बल्ब ही यहाँ से कहीं कनेक्ट हट जाए, ये टच हो जाए, तो क्या यहीं करंट नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ चली जाए बाईपासिंग का रजिस्टर और इसी में फिर स्पार्क हो जाए, सही है ना। इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, सर्किट पूरा ही नहीं हो पाया, क्लोज थ्रू सर्किट लीडिंग टू स्पार्क, लीडिंग टू स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसी को लघु परिपथ भी कहते हैं। आगे देखो, चलिए Why are the coils of electrical toaster made of alloy rather than a pure metal? फिर से करा देते हैं, important है। So okay. Why are the coils of electric toaster? So, coils of electric toaster are electric toaster अरविंद टंगस्टन के नहीं बनाते, बल्ब के अंदर फिलामेंट टंगस्टन का होगा अगर कोई होता है पुराना, लेकिन टोस्टर में टंगस्टन नहीं लगा रहा, टोस्टर के अंदर एल्निको लगा रहे हैं, कॉन्स्टेंटन लगा रहे हैं, मैंगानिन लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? मेड ऑफ नाइक्रोम मैंगानिन, बोलो, और ज्यादा, हाँ सही है, और कॉन्स्टेंटन, इन सब के बन रहे हैं, एंड नॉट ऑफ बुचेरियम, बुचेरियम का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यू दैट इज वो टंगस्टन के नहीं बनते, एस जो एलॉयज होते हैं आर केमिकली इनर्ट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट चेंज देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या रेजिस्टेंस, दोनों लिख सकते हो, रेजिस्टेंस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, डू नॉट ऑक्सीडाइज। तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स में किसके आए हैं? तो तुम्हारे पापा तो बोले तुमसे नौ लोग ऊपर हैं, नौ लोग ऊपर हैं मैथ्स, 15 नंबर का छोड़ के आए, अब ये आएंगे पापा तुम्हारे 11 बजे सब सुना के जाएंगे, पूरा करके आया करो, 15 नंबर का छोड़ोगे तुम क्या करेंगे काम? चलिए नाउ डिफाइन द टर्म वोल्ट, फिर उत्कर्ष बोले अंकल मैं तो इससे कहता ही था पढ़ो, यही नहीं पढ़ता, उत्कर्ष ऐसे बोल देना कि मैं इसको समझाता था पढ़ ले बेटा।
ठीक है, लेकिन इसी ने गटर मस्ती की, वो गटर गस्ती की। नाउ डिफाइन द टर्म वोल्ट, वोल्ट को डिफाइन करो अर्चिता। फिर से बोलो। वोल्ट को तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता, वन वोल्ट को ही किया जा सकता, वोल्ट नहीं डिफाइन कर सकता ना, वन को ही करना पड़ेगा, वोल्ट कुछ नहीं होता। आइए ना, अब ये देखो, इफ वन जूल वर्क इज डन, क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है बोलो, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सो इफ वन जूल वर्क इज डन टू मूव वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, इसमें वन जूल वर्क कहा जाए, तो ऐसी स्थिति में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज वन वोल्ट, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, इफ वन जूल प्लस वन जूल प्लस वन कूलम चार्ज को यहाँ से मान ले गए, तो अगर ये भी वन वन जूल वर्क है और वन कूलम चार्ज है, तो ये वन जूल पर कूलम या वन वोल्ट हो गया। इफ वन जूल वर्क इज डन टू मूव वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, हिंदी का पेपर है दिव्या, फिर उसके बाद किसका, वन पॉइंट टू दो आ भी गया सही सही मेरे मुझे चलो ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन हाँ बोलो देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज वन वोल्ट। अगर देखो इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको हेरिडिटी के भी एक सैंपल कराने हैं, अभी नहीं हो पाएगा तो शाम को बुलाएंगे सबको, हेरिडिटी कर नहीं पाओगे अपने आप, एक भी सवाल अलग आ गया वो नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे कराना ही पड़ेगा। अब देखो बी पार्ट करो, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशन बताओ शिव शर्मा, कोई ऐसा रिलेशन है वर्क चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच रिलेशन कोई है? ये तो काफी इंप्रेसिव रहा, आप भी बोलो आकाशी बोलो अंशुभ, ये लोग दिमाग लगा रहे हैं, तुम यही बोल दो दैट इज डब्लू बी इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है फॉर कैलकुलेट, कैलकुलेट कराना था पोटेंशियल डिफरेंस टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर 20 कूलम्स ऑफ चार्ज, अगर मान लो 100 जूल ऑफ वर्क चाहिए, वर्क इज रिक्वायर्ड, तो V इज इक्वल टू 100 जूल और 20 कूलम, तो दिस इज 5 वोल्ट। ओके अगला सवाल देखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन द हीट प्रोड्यूस्ड I फॉर द टाइम इंटरवल R, देखो जूल्स लॉ को डिड्यूस कर रहे हो, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द हीट प्रोड्यूस इफ द करंट इज I इज प्रोड्यूस, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R फॉर ए टाइम T, ऐसा पूछा।
तो शुरुआत कराओ दिव्या, क्या लिखे पहली लाइन? बोलो एच को क्या लिखे? सबसे पहले लिखो, ऐसे लिखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम फॉर अ प्योरली हीटिंग डिवाइस। क्या लिखोगे? हीटिंग डिवाइस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस, जितनी वहां से ड्रॉ करेगा उतनी हीट देगा, और तो कुछ नहीं करेगा ना। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन, जितनी ड्रॉ करेगा, इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड। तो अमन अगला सेंटेंस बताओ। अर्षिता बहुत अच्छा, एच इज इक्वल टू पी इन टू टी। अरविंद अगला बताओ। P is equal to V upon T ना? ये कुछ भी बोल रहे हैं, जादुई लोग हैं, कोई देख ना ले। ठीक है, now that is H is equals to I square R। P क्या होता है? P is equals to V I, P को लिखो I R into I, ऐसा किस वजह से? That is Ohm's law, so that is I square R, और वही हमने यहाँ पुट कर दिया, सही है? This is Joule's heating law, ये तो deduction हो गया, पहला पार्ट हमने कर दिया। This is Joule's heating law, अब आगे क्या पढ़ो क्या करना? ठीक है। With which name is the relation known? This relation is known by Joule's heating law. How much heat will an instrument of 12 watt produce in 1 minute? अगर उससे किससे कनेक्ट कर दिया जाए, 12 वोल्ट से, तीन चीज दी है, 12 वॉट, हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस, तीन चीज दी है। देखो P दिया है 12 वॉट, टाइम दिया है 1 मिनट, और साथ में वोल्टेज इट इज 12 वोल्ट। अब आप देखिए, जो H होता है वो P इंटू T भी होता है, और हमें क्या क्या दिया है? P दिया है, एन इंस्ट्रूमेंट 12 वॉट का है, पावर दिया है 1 मिनट, तो पी इंटू टी से निकाल लो बस, हमको क्या लेना देना ना बी से, पी और टी का काम लो और एच निकालो, एक्स्ट्रा दिया तो क्या करना, नहीं ये तो बात सही है कि नहीं? एच क्या होता है? पी इंटू टी, तो लेट अस फाइंड इट आउट। तो उत्कर्ष वैल्यू प्लेस कराओगे? ये अच्छा बता दे, तुम भी बताओ। 12 इनटू, देखो रिया बहुत अच्छा काम करती है, इन्होंने 1 मिनट नहीं रखा, 60 सेकंड। ये चीज रिया में खास है कि जो है वही नहीं रख देती है, उसे ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है। दैट इज 12 जूल पर सेकंड और इनटू 60 सेकंड, ये कट गया और 720 जूल, तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो गई? 720 जूल। बोलो बात समझ में आ गई ना? ओके, इसी पर एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है इसके अल्टरनेट में। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड सर्किट डायग्राम हाउ यू विल यू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स जॉइंड इन पैरेलल, आल्सो मेंशन हाउ विल यू कनेक्ट द एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द सर्किट व्हाइल मेजरिंग इट। तो 3 रजिस्टर्स दिए हैं, उनको पैरेलल में कनेक्ट करो और उनका तुल्यांक प्रतिरोध की गणना करो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल।
चलो ओके R1, R2, R3 इसमें एक सिंगल वोल्ट मीटर लगाया दिस इज प्लस माइनस यहां मीटर लगाते हैं की लिख लें सर करंट की डायरेक्शन भी बना दें तो अभी देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 कभी भी जब साइंस में ये डिडक्शन करना तो दो तीन लाइन हम कभी भी लिख देना शुरू ऐसे नहीं कि फार्मूले से करते ठीक है सो कनेक्टेड टू वी वोल्ट बैटरी या वी वोल्ट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट सेल एक दिखाए तो सेल लिख लो तो अब हम देखेंगे कि सर्किट करंट इज इक्वल टू देखें ये सेंटेंस पूरा कर पाते हैं कि नहीं सिर्फ शर्मा सर्किट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ बहुत अच्छा बता बहुत बड़ी बात करें ब्रांच कह दी इन्होंने कह दिया कि दो सेकंड ऑल द टाइम इक्वल्स टू टोटल किलोग्राम ऑफ आलू मतलब करंट को इन्होंने वोल्टेज से इक्वल कर दिया बहुत बड़ी बात है साइंस में कोई पता नहीं मॉडर्न ये अल्ट्रा मॉडर्न है ना तो समझ नहीं बात की नहीं सर्किट करंट किसके इक्वल है is equal to in this case circuit current is equal to sum of branch current कुछ लोग इंश्योर करते हैं कि इस बार पूछ लिया अगली बार हमसे ना पूछा जाए अगली बार पूछेंगे तो इससे भी बड़ी गलती करें so he has ensured कि आगे पूछोगे तो और भी भयानक उत्तर मिलेगा sum of branch current अब देखो I is equals to I1 plus I2 plus I3. So this is I, this is I1, this is I2, this is I3. एक और चीज लिखनी पड़ेगी. In parallel combination, potential drop tashi across each resistor is. In parallel combination, potential drop across each resistor is. इक्वल टू मैं लिख देता हूं लिखने के बाद बताऊंगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन समानांतर क्रम में ठीक है पोटेंशियल ड्रॉप विभव पतन अक्रॉस ईच रजिस्टर प्रत्येक प्रतिरोध में होने वाला विभव पतन किसके इक्वल है रेजिस्टर इज इक्वल टू दिव्या इट इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल कहने का मतलब है ये जो सेल पोटेंशियल वी है वही इस पर भी होगा और इस पर भी होगा इन तीन चीजों पर ओम्स लॉ लगाओ इन तीन चीजों पर लगाओ इन तीन चीजों पर तो क्या होगा दैट इज बाय ओम्स लॉ ये बताओ आई वन की वैल्यू क्या होगी वी इज इक्वल टू आई आर ये तो ओम्स लॉ होता है तो बताइए वी इज इक्वल टू I1R1 वी इज इक्वल टू I2R2 एंड V इज इक्वल टू I3R3 अब इनसे वैल्यूज निकालो बोलो I1 किसके इक्वल हुआ V/R1 I2 किसके इक्वल हुआ एंड I3 इज इक्वल टू
बी बाई आर थ्री ऑल्सो बी इज इक्वल टू आई इन टू आर इक्विवेलेंट. सो आई किसके इक्वल हुआ? बी बाई आर इक्विवेलेंट. ये भी बात वही है, इसमें बहने वाली करंट आई है और इन सबको क्या मान लिया जाए? आर इक्विवेलेंट. सो प्लेसिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन दैट इज नोन एज लॉ ऑफ करंट्स. टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल आउट गोइंग करंट through that junction. So place these values. In equation 1, so I is equals to I1 plus I2 plus I3. Shiv Sharma, why do you place karo jara? I equal to V by R. Kuch samajh hi nahi. I is equals to? V by R1 अमन बताओ, ये तो बहुत जरूरी था, बता देते. हाँ बोलो अमन. V by R equivalent. हाँ V by R equivalent. सही. V by R1 plus V by R2 plus V by R3. ये ठीक है. I तो बोलना ही नहीं था, I क्यों बोल दिया? That is V by R equivalent. So this is V by R equivalent किसके इक्वल हो गया? 1 by R3. V से V कटा, 1 by R equivalent is 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3. इतनी बात हो गई. अंकुर इसका स्टेटमेंट बोलो. चलो उत्कर्ष बोलो. पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ ब्रांच रेजिस्टेंस. सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ब्रांच रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इंडिविजुअल. सो अच्छा बताया है. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अब आगे क्या कह रहा है? इसी को पांच नंबर का ठीक है. इलेवेंथ क्वेश्चन देखो. इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू वन अनदर गिव टू रीजंस. क्यों अलग अलग बताए जाते हैं? ताकि डिफरेंट अप्लायंसेस आर कनेक्टेड क्यों पैरेलल में लगाए जाते हैं? गिव टू रीजंस. इन हाउस होल्ड सप्लाई या कनेक्शंस डिफरेंस जितने भी हैं सब पैरेलल में लगे हैं, सबके अलग अलग स्विच हैं. तुम चाहो तो यहाँ भी सबके स्विच लगा सकते हैं. ये लगा दिए तो सब ऐसे ही लगे यहाँ पर, जो मर्जी सो ऑन करो. वाई थी सो देर बहुत लगाती हो अनसुप्रिया. तुम्हारी मम्मी बताती हैं कि तुम यहाँ आने से ठीक 5 मिनट पहले उठती हो और 1.5 मिनट पहले आँख पे पानी डालती हो, 1 मिनट पहले नई ड्रेस पहन के आ जाती हो और फिर जब बता देते हैं तो फिर से सो जाती हो. हाँ बोलो. गिव टू रीजन. सुजैन, त्रिशु अभी तो कराया है, पहला ही सवाल था, उसी को सोच रही हूँ. बोलो.
बोलो अरविंद, एक और कोई खराब हो जाएगा वायर तो दूसरा वायर से क्या लेना? ठीक है, तो बताया गया है टू रीजंस हाउस होल्ड में. सो इन पैरेलल कंबिनेशन, पैरेलल में जब तुम बताती हो तो फिर हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम पढ़ा रहे हैं तुम लिख क्या होगी, और फिर तुम चुप हो जाती हो तो फिर हम डर जाते हैं, है ना? तुम्हारा बताना बहुत जरूरी, वो लूप नहीं पूरा हो रहा. इन पैरेलल कंबिनेशन क्या होगा कि सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, ऑप्शंस आर अवेलेबल इफ वन एप्लायंस गोस फॉल्टी, अगर फॉल्टी हो जाए देन अदर एप्लायंस कंटिन्यूज टू वर्क, कंटिन्यूज टू वर्क. रिया एक और बताओ. जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सब में सेम होता है, तो उससे किसी पे इजाज़ होता है. हाँ बोलो दिव्या. ऑल एप्लायंस वर्क एट देयर फुल एफिशिएंसी, ज्यादा बड़ी बात ना करो तो क्या, ऑल एप्लायंस. इन्हीं सब को तुम सीरीज में लगा के देखो, ये झालर की तरह टिमटिमाएंगे. वन एट देयर फुल एफिशिएंसी. ये अगला देखो, एक इलेक्ट्रीशियन 5 एम्पियर की रेटिंग का एक फ्यूज लगा दे रहा है इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेटिंग, और हीटर कैसा है 1.5 किलोवाट 220 वोल्ट का ऑपरेट हो रहा है. व्हाट इज लाइकली टू हैपन, देख लो उसने 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया हीटर पर, हीटर की जो पावर है वो इतनी है और हीटर वोल्टेज इतने वोल्टेज पे कनेक्टेड है, तो क्या होने वाला है? ठीक है, और इसके लिए हमें क्या कर देना चाहिए? ये 2008 का क्वेश्चन है. चलो, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और उस इलेक्ट्रीशियन को क्या करना चाहिए था ऐसा अगर नहीं है, लेट अस सी. तो हमें ये बात मालूम है कि P इज इक्वल टू वी आई, तो पावर कितनी है 1.5, आप चाहे तो किलोवाट लिख देंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है रिया, लेकिन उसकी यूनिट के साथ लिखोगी, जो भी लिखोगी सही है. अब 220 इंटू आई, अब इसे लिखो 1.5 किलोवाट पर रिया कितने वाट होते हैं? हर चीज में तुम्हें सोचना पड़ रहा है. ठीक है, तो 1500 अपॉन 220 ये आई हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 75 बाय 11, तो क्या ये 5 से ऊपर हो जाएगा? 11 6 66 और 9 बचेगा, तो 6.8, that is 6.81 ampere. So drawn current, जो drawn current है is more than, देखे शिव शर्मा इस बार बता पाते, मुझे लगता है इस बार बता दें. ठीक है, खेलने पे ध्यान लगाओ. अमन बोलो, more than rated current, more than rated current, वो भी सही था, फ्यूज करंट कुछ नहीं होता, रेटेड करंट. सो इससे क्या होगा, रेटेड करंट ऑफ फ्यूज, आप ऐसे लिख देना रेटेड करंट ऑफ फ्यूज. सो फ्यूज वायर जो कि लेड और टिन का बना हुआ है, दैट विल मेंट फ्यूज वायर क्या हो जाएगा,
टॉपिक कहाँ है तुम्हारी, बंद करके बैठी हो। सो फ्यूज वायर विल मेल्ट, मेल्ट हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अर्चिता उसे क्या करना चाहिए? बोलो क्या? हाँ, सो एंड सर्किट विल ओपन। इन दिस केस इलेक्ट्रीशियन शुड यूज फ्यूज वायर ऑफ 10 एम्पियर रेटिंग, ठीक है, 10 एम्पियर की रेटिंग का इसे लगा देना चाहिए। यू आर गिवेन फॉलोइंग करंट टाइम ग्राफ्स, ये दो ग्राफ दिए हुए हैं। अब जरा इन दोनों ग्राफ के बारे में आप देखें, दो ग्राफ ये देखो, दोनों ग्राफ चलो। सो क्वेश्चन नंबर 12, नेम द टाइप ऑफ करंट। सो एक पहली करंट और दूसरे करंट का नाम बताओ। दूसरे में सिनोसाइडल है और पहले में डायरेक्ट है, तो क्या आप मुझे ये बताएंगे दोनों में करंट का क्या नाम है? किसमें दिष्ट धारा बह रही है और किसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है? अभिषेक है नहीं आइडिया? पहले में डायरेक्ट और दूसरे में अल्टरनेटिंग। जब प्लस माइनस हो तो उसे क्या कहते हैं? सही है। तो पहले ये सिलेबस में नहीं लेकिन फिर भी बता दें, तो ये पहला वाला क्या है, केस वन, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव ही बना जा रहे तो उसको कहते हैं कि डायरेक्ट करंट। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं है। एक सेकंड में ये 50 बार प्लस होता है, 50 बार माइनस, उसी तरीके से दूसरा वाला भी 50 बार। इसलिए जो तुम्हारे घर की सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज की है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 बार ये प्लस, वो माइनस, वो प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसलिए केस वन किसका है? डायरेक्ट करंट। अगर बैटरी से ये पंखा चल रहा होता तुम तार को छू लो तो ईट तुम उससे झटका लग के हटेगा नहीं यार, ये तब तक तुम उससे चिपके रहोगे जब तक मर ना जाए। और उसमें अगर तुम्हारे हाथ में लगेगा जैसे ही प्लस से माइनस हुआ छोड़ देगा, तुम जिंदा बच जाओगे। वो 220 वोल्ट पे भी तुम्हें छोड़ देगा, और ये 50 वाट का अगर तुमने बैटरी से लगा लिया तो ये चिपका लेगा। ये चिपकू धारा है, वो छोड़ू धारा, समझ आएगी नहीं? तो इस तरीके से पहला कौन सा है? डायरेक्ट करंट। इफ द पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। प्लस है तो प्लस ही रहा, और एक बार प्लस फिर माइनस, प्लस टाइम के साथ बदल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। दैट द हाउस होल्ड सप्लाई इज अल्टरनेटिंग करंट, हाउएवर बैटरी इज ए सोर्स ऑफ, यही केस टू, अल्टरनेटिंग करंट। इससे ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपके में से डिलीटेड हो गया, अभी 11th में पढ़ना। ये तुम्हारा खत्म हुआ, चलो अभी हेरिडिटी कर लेते हैं, हेरिडिटी हो जाएगा तो शाम की छुट्टी मिल जाएगी। लेट अस कम टू अच्छे अच्छे सवाल है। क्लास 10th हेरिडिटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अवंती। अवंती के ही आपको दिए हैं सर। चलो
पर हमारा नहीं आ रहा है चलो ओके प्रोफेशनल स्कूल है। पहला सवाल देखो, जीवाश्म क्या है और ये विकास की किस अवधारणा के बारे में बताते हैं? दिस इज डिलीटेड पोर्शन। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन, एडिटिटी पे आओ। गिव वन एग्जांपल, फॉसिल्स तो तुम्हारे में नहीं है, ये पोजीशन। वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द इनहेरिटेड एंड वंस दैट आर एक्वायर्ड इन ह्यूमन। तुमको ऐसा एग्जांपल देना है एक एक कि इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स का, और इनके बीच में एक डिफरेंस भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू, इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? That is color of iris, color of iris, that is type of ear lobe attached or hanging ear lobe, free लिख लो, free ear lobe, ये हो सकता है। और acquired जो जीवन में ही तुमने पाया है, स्कैब मार्क, जो सकता। इनके भी डिफरेंस क्या है? जो इनहेरिटेड ट्रेट है, सो एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड की स्पेलिंग ठीक करो। That is gene is responsible for this gene. For such traits. These are acquired from parents and passed on to next generation. ये तुम्हें कहाँ से मिले? जीवन काल में नहीं मिले, ये तुमने किससे पाए हैं? These are acquired from parents and passed on to next generation. जैसे स्कैर मार्क, सो कटिंग टेल ऑफ रैट, अगर कुछ कटा चूहा है तो अपने उसके बच्चे पूंछ कटे नहीं पैदा होंगे। That is acquired traits. No gene. Acquired traits are not transferred to gene. Hence they will not be transferred to next generation. That is acquired traits are not transferred to gene. So not passed to next generation. इसलिए next generation में pass on नहीं होते, ठीक है? They do not follow the law of inheritance. जबकि ये they follow the law of inheritance. ये inheritance के law को follow करते हैं. These follow law of inheritance. These do not follow law of inheritance.
These are congenial. These are acquired in life. इसका क्या मतलब है congenial? Congenial जैसे तुम इसको कभी कभी बोलती हो, you are a congenial liar. तुम जन्मजात झूठी हो. Congenial liar. माँ के पेट से ही झूठी हो. Congenial. So these are congenial. जब तुम पैदा हुए ये तभी से तुमने थे. और ये these are acquired in life. 12 प्रकार के झूठे होते हैं, मालूम है ना? उनके अलग अलग नाम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिए हैं. नाउ दीज आर कंजीनियल, जबकि दीज आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. कहा से आता होगा मुझे देखना ही पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं. कई बार एक बर्थ मार्क आ जाता है ना बच्चे में, एक मार्क रहता है ना बर्थ, वो तो गलती से आ जाता. कहां से आता है बर्थ मार्क? इज एक्वायर्ड ट्रेट और बर्थ मार्क को एक्वायर्ड ट्रेट ही माना. कहां से आता है ये बताना. चलो अगला देखते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्पीशिएशन नेचुरल सिलेक्शन. वैसे तुम्हारे लिए आएगा नहीं क्योंकि ये सब किसके हैं, इवोल्यूशन के ना. स्पीशिएशन थोड़ा बहुत तो तुमको पता ही है ना. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? इफ यू आर बेटर सूटेड टू एटमॉस्फेयर एंड हैव कैमोफ्लेज एडवांटेज. कैमोफ्लेज का मतलब छिपने वाला एडवांटेज आपको मिल जाए. देन इट यू आर सेलेक्टेड बाई नेचर. And there will be, आपका क्या होगा, you will get genetic drift. Your gene will get multiplied. तुम्हारी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी क्योंकि अब तुमको कोई खाने वाला ही नहीं है. तुम एक ऐसे बीटल बन गए हो जो पत्तियों में छिप सकते हो. तो क्या इससे तुम्हें genetic drift नहीं मिलेगा? Drift का मतलब अचानक बढ़ोतरी. However, the your other, जो दूसरे होंगे variations within your species will get eliminated. तो वो क्या कहलाएगा? बोलो, नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, स्पीशिएशन भी तुम जानते हो. इफ वेरिएशंस गेट एक्युमुलेटेड जनरेशन ओवर जनरेशन एंड दीज वेरिएशंस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू ईच अदर विद इन ए पॉपुलेशन देन दे लीड टू स्पीशिएशन. जैसे मैंने बोला था एक सफेद चीता था बीच में नदी गई, समझ में आई? तो उससे स्पीशिएशन हो जाएगा ना. इसको कहते हैं प्रजातीयकरण. अगला देखो, ये सब कुछ नहीं आएगा. होमोलोगस और एनालोगस. हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? रिया, तुम इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्पेशलिस्ट हो, बताओ. हाउ डू मेंडल शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड? मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा कैसे सिद्ध किया कि ये जितने भी प्रकार के ट्रेट्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, हमारी प्रकृतियां हैं, वो हम अपने पेरेंट से इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से लेते हैं. तो एक्सपेरिमेंट था जिसका वाला राउंड और नीमकट वाला, नहीं राउंड और येलो वाला और नीमकट और ग्रीन. हाँ, तो उसमें क्या उससे पता चला बताओ? तो उससे फिर जब हमने उसको क्रॉस किया था तो फिर हमको लास्ट में मिला था कि हमको रेशियो में मिला था वो 9 is to 3 is to 3 is to 1 प्लांट
ठीक है, ऑफ देखो होमोजाइगस, होमो जाइगस, होमोजाइगस भी प्लांट ऑफ येलो राउंड पी पॉड एंड ग्रीन रिंकल्ड पी पॉड क्या हुआ? ऑल वराइटीज इन F1 जनरेशन वर, शिव शर्मा देखो तीसरा सवाल पूछा गया, थोड़ा बताओ सब तो बता दे रहे हो, अभी तुम्हारे भी पापा चले आएंगे, कुछ नहीं बताओगे तो क्या होगा? वर इट विल येलो एंड राउंड, खुद ही तुम ही बोलते होगे कि जाओ पापा कुछ बोलो वहां पे, बोल भी देंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना काम कर सकते हैं, ये बच्चे लोग ही भेजते होंगे कि जाओ पापा कुछ कहोगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे। येलो राउंड F1 जनरेशन में कैसे पाए गए? येलो राउंड इन F2 जनरेशन व्हेन दीज आर सेल्फ क्रॉस्ड, इनका सेल्फ पॉलिनेशन करा गया ना तो क्या होगा बताइए? व्हेन दीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड, आप बड़ा लिखना चाहे तीन नंबर का तो बड़ा भी पूरा लिख देना, सेल्फ पॉलिनेटेड देन इन F2 जनरेशन क्या हुआ होगा? तो जो येलो राउंड होगा, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड वर ऑफ 9:3:3:1 रेशो, क्या रेशो है? On further analysis, जब इसका और विश्लेषण किया गया तो पाया गया that कि जो green, yellow versus green का क्या रेशो रहा, येलो वर्सेस ग्रीन इज फाउंड टू बी 3:1 एंड राउंड वर्सेस रिंकल्ड is found to be 3:1, which is same as the ratio of monohybrid cross in F2 generation. Monohybrid cross की जो आई थी ना, वही यहाँ पाई गई. So this is as per Mendel's second law of inheritance, that is law of independent assortment. समझ में आ गई बात की नहीं? This is same as F2 generation of monohybrid cross, उसके ही जैसी पाई गई. This follows second law of law of independent assortment of Mendel. That is law of independent assortment. इतना लिखना. अगला सवाल देखो. Two areas of study, namely evolution and classifications, are interlinked. Evolution नहीं आती. How did Mendel explain that it is possible that a trait is inherited but not expressed in organism? बोलो दिव्या. पूरी बात तो मैं मानती हूँ, तो क्वेश्चन अच्छा समझ लेती हूँ.
खुरवट खाती हूँ कैसे इस लोगों का। नाउ क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ट्रेड इनहेरिट तो हो लेकिन एक्सप्रेस ना हो। ठीक है, अब जरा इस बात को लिखें, इसे कैसे एक्सप्लेन किया गया। नाउ एनी जनरेशन इनहेरिट हाफ amount of genetic material from one parent and half from other parent if in a pair of gene, भाई दो क्रोमोसोम हैं, एक उसने फादर से लिया, पॉलन से लिया और एक कहीं से ले लिया। अब इन दोनों में पेयर ऑफ जीन है, सो इफ इन ए पेयर ऑफ जीन दीज आर हेट्रोजाइगस, ये कैसी है बोलो, इफ इन ए पेयर ऑफ जीन which is heterozygous, heterozygous like TT, then capital T will express itself, वो से अपने आप को express itself हो जाएगा, while small t as it is dominant, while small t being recessive remain unexpressed। हाँ बोलो, जो small t है, so in this way जो plant होगा वो कैसा होगा, F1 generation plant is tall though the plant has inherited small t gene from one of its parent but it remains unexpressed। ये दिखाया कि नहीं, inherit तो करे पर express ना हो। though the small t gene is inherited remain unexpressed। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन के त्रिशु, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, बताओ कैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट बता सकता है। जैसे कि प्लांट का पहला तो तुमने सही बता दिया, सेकंड के लिए क्या करोगे। वो जो यहाँ कराया ना यही पूरा लिख देना, सेकंड वाला ये फर्स्ट लिख रहे कि ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ टॉल पी प्लांट ऑफ टी टी टाइप and dwarf pea plant of TT type, yeah, we get all plants in F1 generation
genes are called TT type. If these are self-pollinated, अगर इनका स्व परागण कराया जाए, सेल्फ पॉलिनेटेड, देन द जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो ऑफ एफ टू जेनरेशन इज, ये चीज शिव शर्मा बेहतर बता सकते हैं। हाँ बताओ, ठीक से बताते नहीं हो तुम, इसको सब जिम्मेदारी है तुम्हारी, पर बता नहीं रहे, ठीक है। 1:2:1, so if these are self-pollinated then the genotypic ratio is this, genotypic समझ आता नहीं है, and जो tall versus dwarf है वो कैसा आएगा, 3:1, this shows that one trait, ठीक है, ये कह सकते हैं वन एलील डोमिनेट्स ओवर अदर, ट्रेट तो उसका लंबाई है, छोटी है बड़ी हो सकती है, वन एलील एलील डोमिनेट करता है, दिस शोज दैट वन एलील डोमिनेट्स ओवर अदर एलील, that is tallness dominates over, dwarfness, और इसी का बी पार्ट वो कर देना, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, दोनों क्वेश्चन को इन्होंने मर्ज कर दिया, क्योंकि जो दो इंटेक्स क्वेश्चन है ना मिला के पूछने, define evolution ये तो नहीं आएगा, with the help of one example distinguish between acquired trait and inherited trait, why are these traits acquired during the entire lifetime of an individual not inherited to next generation, give reason of this fact with example, to aapko maine acquired aur inke beech ke teen antar bata diye the, wo likh dena 5 number ka to teen antar chal jayenge, why the acquired traits are not passed on to next generation. बोलो अभिषेक, जो जीवन में तुमको कोई स्कार मार्क मिल गया है, दुबले हो गए, पतले हो गए, मोटे हो गए, तो वो तुम्हारी अगले जनरेशन में पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं पैदा होता? फिजिकल चेंजेस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू डीएनए, और जेनेटिक कंस्ट्रक्ट, क्या भी जेनेटिक कंस्ट्रक्ट को ट्रांसफर किए जा सकते हैं? सर लिखो इस चीज को, एज फिजिकल चेंजेस बाकी तो मैंने सब कुछ बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया, जिसने पर इतना बताएंगे कि क्यों नहीं किए जा सकते, इफ ए पर्सन बिकम्स रेसलर, रेसलर हो जाना तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ठीक है, देन इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, टू डीएनए और जेनेटिक कंस्ट्रक्ट, ये जेनेटिक कंस्ट्रक्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, एज देयर इज नो चेंज और अल्टरेशन इन जीनोटाइप,
सो इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू, ये ट्रांसफर नहीं होगा, इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, इसलिए ये आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर भी नहीं होगा। मेटल एंड नॉन मेटल का देखा, मेटल एंड नॉन मेटल सभी का क्वेश्चन अवंती लास्ट। मेटल्स जनरली अकर इन सॉलिड स्टेट, ओके, नेम एंड राइट सिंबल्स ऑफ ए मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, राशी, मर्करी। अलॉयज आर यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस रेदर देन प्योर मेटल, गिव रीजंस, राशी। यही सब लिख देना जो उसमें लिखा वही लिख देना। आगे देखो, दिशिता, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ग्रेन्यूल्स ऑफ सॉलिड ए मिक्स्ड विद पाउडर ऑफ अनदर सॉलिड, हाउएवर व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द कंपोनेंट्स, वन ऑफ द प्रोडक्ट सी इज मेटल एंड सेटल्स डाउन इन द मोल्टन स्टेट व्हाइल द प्रोडक्ट डी फ्लोट्स ओवर इट, इट वॉज ऑब्जर्व दैट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी किसी के ग्रेन्यूल को दूसरे से मिक्स किया गया, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट एंड थर्मल स्टेट, ठीक है, मेंशन एनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच अबव केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड विद कर्स। सही है, तो अच्छा बता दिए। और सेटल डाउन क्या हो जाएगा? आयरन मोल्टन फॉर्म में। और सेटल क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। चलो, इन्होंने बताया कि एल और एफई 2O3, तो Al2O3 जो कि एल्यूमिना होता है, इनकी जानकारी अच्छी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस, तभी तो कह रहे सेटल हो जाएगा, और जबकि Fe का 1500 है, Fe पिघला हुआ रहता है, इसीलिए वो रेलवे ट्रैक को जोड़ देता है, दैट इज Fe एंड दिस इज थर्मिट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड, ये 2 हो गया बाकी तो This is called thermic reaction. इनका कहने का क्या मतलब है? इनका कहने का मतलब है सर ये लिक्विड रहेगा ये सॉलिड रहेगा, जबकि ये दोनों ही सॉलिड है, ये पाउडर है ये ग्रेन्यूल है। Mention any two types of reaction under which above chemical reaction can be classified. Issue. ऐसे दो टाइप बताओ जिनमें इन्हें क्लासीफाई किया जा सके। सोनाक्षी, अंशुप्रिया, एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एंड डिस्प्लेसमेंट भी तो है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक एक्सोथर्मिक है ऊष्माक्षेपी तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में उपरोक्त दिए गए रासायनिक समीकरण व्यक्त किए जा सकते हैं। अगला देखिए,
Explain how the following metals are obtained from the compound Y reduction process. Now, metal M, which is middle of reactive series. तो जरा इस क्वेश्चन को समझो दिव्या, तब तुमसे पूछेंगे कि पहले क्या है क्या है। That is, following metals of are obtained from their compound by the reduction process. पहले का बताओ, मेटल M है मिडिल एक्टिविटी सीरीज में, सो इसको रिडक्शन प्रोसेस से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में बताओ। अभिषेक, अच्छा कंबाइन स्टेट में इफ इट इज कार्बोनेट, अगर इट इज मेटल कार्बोनेट तो क्या करेंगे? देन इट इज कैल्सिनेटेड। तो आप लिख देना जिंक का एग्जांपल लिख देना, कुछ दिक्कत नहीं है। हीटिंग एंड नो एयर, नो एयर तो ZnO प्लस CO2। इफ इट इज सल्फाइड और अगर ये कार्बोनेट हो रहा है और यदि ये सल्फाइड हो रहा है देन इट इज रोस्टेड। अब देखो ZnS तो अर्निंद क्या किया जाए, प्लस O2 और हीट का निशान भी लगा देना, तो दैट इज ZnO प्लस SO2, SO2 के ऊपर ऐसे कर देना। नाउ व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑब्टेन्ड, अब मेटल ऑक्साइड हमें मिल जाएगा ऑब्टेन्ड, तो चंद्रशेखर तब क्या किया जाए? नमन, कोई बात नहीं, अंशु प्रिया, देन इट इज हीटेड विद कार्बन ZnO प्लस C, ZN प्लस CO, तो इससे हम एक मेटल पा लेंगे। पहला तो पॉइंट हमारा सही हो गया, तो मेटल M विच इज इन रिएक्टिविटी सीरीज में, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है मेटल M, हमें MCO3 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? और ऐसा मानने के लिए हम उसे बाईवेलेंट मान के लिखें, कोई दिक्कत नहीं, बाईवेलेंट तो माना जा सकता है ना। चलो तो और दूसरा क्या दिया है, मेटल N विच इज हाई अप इन रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर त्रिशु बहुत ऊपर है मेटल N तब क्या करोगी? ये अच्छा होता, इन्होंने बहुत इंप्रेसिव उत्तर दिया है। आप भी बोलो, बोलो शुक्रिया, क्योंकि बहुत ऊपर है तो आपको मालूम है वो लिथियम या सोडियम होगा, उसमें तो क्या कैल्सिनेशन कर लोगे, ठीक है? तो इसलिए अब देखिए इसी को ऐसा लिखना, पहले वाले सवाल को MCO3, सो दैट इज हीटेड नो एयर, तो MO प्लस CO2, MS प्लस O2 हीटेड, दैट इज MO प्लस SO2। अब इस वाले सवाल में से 3/2 लिखो, क्या लिखो? कबूतर, उसे हटाना पड़ेगा, उसे टकरा के उमर गया नीचे, बताओ ऐसा शीशा लगाने से इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? MS प्लस O2 है तो क्या लिख दें? तो ये चीज हो गई। अब MO को हम किससे करें? कार्बन से, तो क्या हो जाएगा बोलो? पहला बात समझ में आ गया, सेकंड देखो N अगर हाई है तो उसे क्या करेंगे? If metal is high in reactivity series, then it cannot be reduced. जिसको दूसरे से नहीं करेंगे, जिसको तुम लाओगे रिड्यूस करने के लिए, वो कोक की तरह सस्ता भी नहीं होगा। तुम कहोगे हम लिथियम से कर लेंगे, लिथियम 300 रुपए का 100 ग्राम है,
जाके देखो सरदारपुरा में, पता चल जाएगा। तो ऐसे में हाई है तो उसको सिर्फ पिघला कर बैटरी के दो टर्मिनल डाल दो, देन दिस कैन बी प्योरीफाइड। पहली बात तो एक्सट्रैक्शन करोगे, एक्सट्रैक्शन पहले करना, ये सारे प्रोसेस एक्सट्रैक्शन के हैं, प्योरिफिकेशन तो सी है। देन इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन की विधि के द्वारा। इनका एग्जांपल दोनों के एक एग्जांपल दो अर्षिता। ठीक है, सो दैट इज एग्जांपल वन का, वन का एग्जांपल दे दो जिंक, और सेकंड का एमजी। इतनी बात समझ में आ गई, जो अभी जल्दी कर रही है। व्हाट इज डिफाइंड बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, नेम द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। रिफाइनिंग ऑफ मेटल से तुम क्या समझती हो? रिफाइनिंग ऑफ मेटल बताओ। ठीक है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, वी कैन मेक एनी इम्प्योर मेटल टू अल्ट्रा प्योर। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज कनेक्टेड टू एनोड एंड अ स्मॉल पीस ऑफ प्योर मेटल इज एट कैथोड। ठीक है, नाउ प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड द इम्प्योरिटीज गेट सेटल डाउन एट बॉटम ऑफ एनोड एंड इट इज कॉल्ड एनोड मड, इसे एनोड मड कह दिया जाएगा। ये टोटल प्रोसेस इतना लिखना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकते हो कि जैसे छोटे तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। सबसे कॉमन मेथड क्या है बताइए, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम तुम्हें दिखाना है, जो तुम कॉपर की रिफाइनिंग दिखा देना। एनोड में किसको लोगी? बोलो, इम्प्योर कॉपर को। कैथोड में किसे लोगे? प्योर कॉपर को। बाकी हम आपको इसका वो भेज देंगे पेपर, पेपर पूरे कर लेना चारों, जो दिक्कत होगी व्हाट्सएप पे भेज देना, हम देख पाएंगे तो हम तुम्हें उत्तर भी दे देंगे।